तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे SLB की तरफ से आने वाला एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है M500, जो कि 500 वाट का एम्पलीफायर है। और यहाँ पर इस एम्पलीफायर का प्राइस के बारे में बात करेंगे, प्राइस कितना होगा, साथ ही साथ इस एम्पलीफायर में हम कितने वाट का स्पीकर चला सकते हैं, एक टॉप कितने वाट का चला सकते हैं, दो टॉप कितने वाट का चला सकते हैं, और यहाँ पर इसमें ड्राइवर यूनिट हम कितने वाट और कितना पीस चला सकते हैं, सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। प्राइस से लेकर फुल डिटेल्स, एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं, और इसमें कैसे हम कनेक्शन करेंगे, जैसे कि एक टॉप या फिर दो टॉप या फिर जो भी हम चलाना चाहते हैं वो हम कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है एम्पलीफायर का फ्रंट लुक में आपको दो हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्लास्टिक का हैंडल आपको देखने को मिलते हैं। SLB का यहाँ पर एक बड़ा सा लोगो जो कि आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बेस, मिड, ट्रेबल तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पर स्पीकर के लिए अलग, हॉर्न के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिलेक्टर स्विच। तो स्पीकर और हॉर्न के लिए सिलेक्टर स्विच एम्पलीफायर में दिए गए हैं। अगर आप स्पीकर चलाते हैं तो स्पीकर में सेलेक्ट करके रखेंगे, अगर आप हॉर्न चलाते हैं तो हॉर्न में सेलेक्ट करके रखेंगे, जिससे कि आपको साउंड जो है वो आपको पतला मिल सके। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी मेंशन कर दिया गया है M500, और मास्टर वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है, और इंडिकेटर लेवल भी मिल जाता है, जो कि हम यहाँ पर जो साउंड है वो कितना शो कर रहा है, कितना दे रहा है एम्पलीफायर, यहाँ पर हम इसको देख करके जज कर पाएंगे। और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन मिल जाता है, ओवरलोड और यहाँ पर टेम्परेचर का भी लाइट इंडिकेशन मिल जाता है, और पावर का भी लाइट इंडिकेशन मिल जाता है। तो जितने भी आपको यहाँ पर ज़रूरत होते हैं एम्पलीफायर्स में, वो सारे इंडिकेशन आपको इस एम्पलीफायर में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम अब बात कर लेते हैं एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन के बारे में, हमें क्या क्या डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो इसका मॉडल जो रहेगा वो M500 रहेगा, और 500 वाट RMS पावर का एम्पलीफायर रहेगा। और यहाँ पर इसके आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो आउटपुट आपको मिलता है 2 ओम्स और 4 ओम्स, मतलब कि कॉमन और 2 ओम और 4 ओम्स मिलेगा। आप इसमें से भी कोई भी ओम्स में यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप इसमें ड्राइवर यूनिट्स वगैरह चला सकते हैं। और यहाँ पर इनपुट लाइन्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सभी एम्पलीफायर्स में होते हैं। और पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो 220 वोल्ट का यहाँ पर हमें लाइट इसमें देना है, AC देना है, और इस एम्पलीफायर को हम रन करा सकते हैं। एम्पलीफायर का वेट के बारे में बात करेंगे तो एम्पलीफायर का वेट अप्रॉक्स लगभग 21 किलो 450 ग्राम का यहाँ पर एम्पलीफायर का वेट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर में हम एक टॉप या फिर दो टॉप चलाते हैं तो कितने वाट का स्पीकर्स के साथ हम इसको चला सकते हैं। स्पीकर के बारे में बात करेंगे, पहले हम एक टॉप, अगर हम एक टॉप चलाते हैं, अगर आपके पास 12 इंच का है तो आप 400 प्लस 400 या फिर यहाँ पर 300 प्लस 300 कुछ इस प्रकार से आप लोड दे सकते हैं, 400-400 भी दे सकते हैं। लगभग तकरीबन 800 वाट का एक कॉलम चला सकते हैं 4 ओम्स के ऊपर, 12 इंच का स्पीकर। अगर आपके पास 15 इंच का स्पीकर है तो आप यहां पर 300 प्लस 300 वाट प्लस HF के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक कॉलम जो है आप RMS पावर में दे सकते हैं इस एम्पलीफायर में, जो कि 4 ओम्स के ऊपर कनेक्शन होगा। हम वहीं बात करेंगे अगर हम इसको 2 ओम्स के ऊपर चलाना चाहते हैं, 4 स्पीकर, तो 4 स्पीकर अगर हम इस एम्पलीफायर में चलाना चाहते हैं तो मैं आपको 15 इंच का स्पीकर रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, इसलिए आप यहाँ पर इस एम्पलीफायर में आप 12 इंच का स्पीकर चला सकते हैं। जैसे कि 150 वाट का 4 स्पीकर आप इस एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं। 150 वाट मीन्स यहाँ पर एक कॉलम आपका 300 वाट का बनेगा, दूसरा कॉलम भी आपका 300 वाट का बनेगा, टोटल वाटेज आपका हो जाता है 600 वाट RMS पावर में। आप यहाँ पर 200 वाट का भी 4 स्पीकर इस एम्पलीफायर में दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 200 वाट का भी स्पीकर आप इसमें 4 स्पीकर 2 ओम्स के ऊपर पैरेलल कनेक्शन में एम्पलीफायर में चला सकते हैं। यहाँ पर हॉर्न यूनिट के बारे में बात करेंगे तो हॉर्न यूनिट अगर आप चलाना चाहते हैं तो एग्जांपल जैसे कि एम्पलीफायर 500 वाट RMS में है तो आप 500 वाट तक लोड डाल सकते हैं। 50 वाट का ड्राइवर यूनिट आप इसमें 10 से लगभग 14 के आसपास 10 या फिर 14 चला सकते हैं। अगर आपको 4 पीस चलाना है तो 4 पीस भी आप चला सकते हैं, नहीं जलेगा आपका HF, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप यहां पर रेड लाइट तक वॉल्यूम ना खोलें, थोड़ा सा कम साउंड खोलें, और आपका यहां पर ड्राइवर यूनिट नहीं जलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बिंदास चलाइए, 2 भी चला सकते हैं, 4 भी चला सकते हैं, 6 भी चला सकते हैं, 8 भी चला सकते हैं। उसका कनेक्शन जो रहेगा वो कॉमन और 100 वोल्ट में रहेगा। आपका ड्राइवर यूनिट में ऊपर भी लिखा होता है 100 वोल्ट का। अगर आपका लाइन मैचिंग है, मतलब लाइन मैचिंग ड्राइवर है, तो आप यहां पर कॉमन और 100 वोल्ट में चलाएंगे। अगर आपका ओम्स वाला अगर आपके पास ड्राइवर यूनिट है
तो आप यहाँ पर ओम्स के हिसाब से जो है आप लोड डाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है लोड कैलकुलेशन रहेगा एम्पलीफायर के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं एम्पलीफायर का प्राइस कितना होगा। जैसे कि SLB का मॉन्स्टर सीरीज करके यहाँ पर जो है इसका नाम रखा गया है, तो मॉन्स्टर सीरीज में M500 जो कि इसका मॉडल नंबर है और इसका जो प्राइस पड़ने वाला है लगभग 12.5 से 13 हज़ार के बीच में आपको ये एम्पलीफायर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लगभग 13 हज़ार अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस रखा गया है और आपको ये एम्पलीफायर मिल सकता है मार्केट में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। सारा चीज मैंने आपको बता ही दिया है, प्राइस भी बता दिया है, लोड कैलकुलेशन भी बता दिया है, एम्पलीफायर के ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो सारा चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कुछ कमेंट्स या फिर कोई भी छूट गया होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।